जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के आप सभी ला ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मैं आप मला बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में परेड से लेकर वहाँ के संस्कृति कार्यक्रम ला आप मला दिखाऊँ। तो मोर वीडियो में पूरा बने रहा और जैसे मोर चैनल में नया हुई है तिमन मोर चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर दी है। तो चलो संगवारी हो, फिर आगे बढ़ा थी वो आप मतलब वहाँ के पूरा संस्कृति कार्यक्रम ला आप मला दिखाऊँ। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जी और इस परिस के कमांडर रक्षित निरीक्षक भूपेन गुप्ता। धीरे धीरे ये दर्शन कार आगे बढ़ती हुई जहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदया दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करती हुई, और आप देख रहे हैं हमारी आन बान और शान का प्रतीक, भारत के जन गण मन का प्रतीक तिरंगा इस आरक्षी रणांगण में हवा से बातें करता और फिजा में रंग बखेरता हमारा तिरंगा, जिसके नीचे हमने अपनी आज़ादी हासिल की। और इस समय दर्शन का जो मंच के बाई ओर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं आज की इस गरिमामय समारोह की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर श्रीमती रश्मि आशीष सिंह। बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर मौजूद हैं इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के, इस आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करती हुई मुख्य अतिथि महोदया साथ में दर्शन कार में सवार जिले के माननीय कलेक्टर संजय झा जी और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जी, परेड के कमांडर धर्मेंद्र गुप्ता जी, और धीरे धीरे ये दर्शन कार आगे बढ़ रही है। दर्शन कार इस समय अब प्लाटून के नजदीक पहुंचते हुए सामान्य मुख्य अतिथि महोदया को लेकर साथ में कलेक्टर बिलासपुर संजय कुमार झा, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह और परेड कमांडर श्री भूपेंद्र गुप्ता रक्षित निरीक्षक बिलासपुर इस समय दर्शन कार पर सवार होकर पहले प्लाटून के सामने सशस्त्र पुलिस बल सेकंड बटालियन सकरी का यह दस्ता श्री प्रेमलाल शर्मा प्लाटून कमांडर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरे दस्ते के सामने इस समय दर्शन कार जिला पुलिस बल पूर्व का यह दस्ता श्री चंदन सिंह मरकाम इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उप निरीक्षक हैं। जिला होमगार्ड पुरुष का यह दस्ता श्री शंकर गोस्वामी उप निरीक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। चौथा दस्ता जिला पुलिस बल महिला का है, श्रीमती रीना प्रधान प्रधान आरक्षक इसका नेतृत्व कर रही हैं। सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय इस समय जिला पुलिस बल महिला के दस्ते के सामने से गुजरती हुई। पांचवा दस्ता जिला होमगार्ड महिला का है, श्रीमती रंजना मानिकपुरी इसका नेतृत्व कर रही हैं। उसके बाद अगला दस्ता NCC सीनियर डिवीजन गर्ल्स राजकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर का है, सीनियर अंडर ऑफिसर नंदिता साहू इसका नेतृत्व कर रही हैं। दर्शन कार इस समय नंदिता साहू के सामने से निकलती हुई और NCC सीनियर डिवीजन बॉयज का अगला दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर संदीप ठाकुर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आठवां दस्ता स्काउट का है, दल नायक कुलभूषण कुर्रे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नवा दस्ता जूनियर डिवीजन NCC गवर्नमेंट स्कूल का CHM निखिल बाग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दसवां दस्ता गाइड का है, कुमारी कविता साहू कमांडर इसका नेतृत्व कर रही हैं। ग्यारहवा और अंतिम दस्ता जिसके सामने आप दर्शनकार पहुंच रही है, दल नायक मोहित ताइडे राष्ट्रीय सेवा योजना का यह दस्ता दल नायक मोहित ताइडे इसका नेतृत्व। दूसरे अर्थ फायर की तैयारी, बैंड रामगान की धुन का दूसरा भाग बजाएगा। फायर की तैयारी, अधिकारी एवं कर्मचारियों से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होंगे, वरदीधारी अधिकारी सैल्यूट करें। राष्ट्रपति जी की जय की नारा देगी, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की।
भव्य और आकर्षक मार्च पास्ट की तैयारी इस समय परेड कमांडर के नेतृत्व। पुलिस बल सेकंड बटालियन सक्री का पहला दल आगे बढ़ता हुआ देशभक्ति जन सेवा इस बटालियन का मुख्य उद्देश्य है। खून के अंतिम कतरे से देश को बचाने के लिए मेहनत करते हैं, नक्सलियों से डट कर मुकाबला करते हैं, जिसके कारण हम आप सब चैन की नींद सोते हैं। मौत जहां जन्नत हो वो बात मेरे वतन में है और कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। इस समय भूपेन गुप्ता रक्षित निरीक्षक परेड कमांडर के नेतृत्व में सभी 11 दस्ते सलामी मंच की ओर आते हुए, दूसरा दस्ता जिला पुलिस बल पुरुष का है, पोलाइट ऑब्जेक्ट लीगल एडवाइजर इंटेलिजेंस करेज और एनर्जेटिक वर्दी में सजे धजे किसी भी पुलिस ऑफिसर को देखते हुए सीना गर्व से तन जाता है। देश की खातिर मर मिटने का ये जज्बा, इनकी चुनौती भरी जीवन शैली और अनुशासन से उत्प्रोत जीवन में कुछ कर दिखाने का जोश और जुनून, कर्तव्य पालन और उससे बढ़कर देश की अस्मिता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। तीसरा दस्ता जिला होमगार्ड पुरुष, सन 1947 में आजादी के साथ ही जिला होमगार्ड का भी जन्म हुआ। जिला होमगार्ड के जवानों की यह टोली कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल को सहयोग प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राहत पहुंचाने इन सैनिकों को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय मुख्यमंत्री के सम्मुख आते हुए परेड कमांडर सलामी लेते हुए आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर श्रीमती रश्मि आशीष से। पहला दस्ता इस समय सशस्त्र पुलिस बल सेकंड बटालियन सकरी का मंच के सामने से गुजरता हुआ, दूसरा दस्ता जिला पुलिस बल पुरुष का है, चंदन सिंह मरकाम उप निरीक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मंच के सामने से गुजरता हुआ तीसरा दस्ता जिला होमगार्ड पुरुष का मंच के सामने श्री शंकर गोस्वामी उप निरीक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। चौथा दस्ता जिला पुलिस बल महिला का है, श्रीमती रीना प्रधान प्रधान आरक्षक इसका नेतृत्व कर रही है, सलामी ले रही है। हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर श्रीमती रश्मि आशीष सिंह। पांचवा दस्ता जिला होमगार्ड महिला का है, श्रीमती रंजना मानिकपुरी नायक इसका नेतृत्व कर रही है। और आप देख रहे हैं मंच के ठीक सामने केंद्रीय विद्यालय की शासकीय विलासा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दस्ता इनर ऑफिसर नंदिता साहु के नेतृत्व, गर्ल्स कॉलेज का दस्ता और अब सीनियर ऑफिसर संदीप ठाकुर विभूत्र कॉलेज का और सीएमडी और केपी वर्मा का ये संयुक्त दस्ता, स्काउट कुलभूषण कुर्रे इसमें शामिल है, मिशन छत्तीसगढ़ और द न्यू इंडिया के स्काउटर्स। और अब शासकीय बहुद्देशी उच्चतर माध्यमिक शाला जो कि आत्मानंद के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, निखिल बाग सीएचएम इस दस्ता के नेतृत्व कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने सलामी स्वीकार करते हुए आज के इस गरिमा समारोह की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर श्रीमती रश्मि आशीष सिंह संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन। और अंतिम दस्ता देख रहे हैं आप मोहित ताड़े के नेतृत्व में, thank you।
स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उत्कर्ष माध्यम विद्यालय दयाल मंत्री छात्राएं जो प्रस्तुत कर रही हैं अमर सुगर हरिया छत्तीसगढ़ के करने का निगम कन्या उत्तर निष्कालक जो बता रही है देश की प्रगति में नारी शक्ति का क्या योगदान है, नारी की क्या सहभागिता है, भारत में कैसा है।
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep it tight.